नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक अकाउंटिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंपाउंड का मतलब होता है इकट्ठा। बहुत सारी जर्नल एंट्रीज जो एक ही स्वभाव के हैं, जिसमें अकाउंट्स तथा एक ही डेट में होते हैं, उसके लिए हम एक ही जर्नल एंट्रीज बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दिन में हमारे पास बहुत सारी पेमेंट्स हुई हैं एक्सपेंसेस की, जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होते हैं, चाहे वो रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग है, तो वो जितने भी अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे और जो पेमेंट है बैंक से वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास उतना ही कैश बैंक से चला गया है। तो मैं लिख रहा हूँ रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1 जनवरी 2011 को ये खर्चा हुआ तो खर्चा डेबिट होता है। एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऑफिस लाइटिंग अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मान लीजिए इनका बिल एक ही दिन में हमने पे कर दिया, 1000 इसकी पेमेंट हो गई, 2000 इसकी पेमेंट हो गई, 3000 इसकी पेमेंट हो गई, 5000 इसकी पेमेंट हो गई और 5000 इसकी पेमेंट हो गई। तो ये तो सभी अकाउंट हो गए डेबिट। तो व्हाट गोज फ्रॉम आवर बिजनेस टू बैंक अकाउंट, तो हमने इसको इकट्ठा कर देना है, 5, 10 और 5, 15, 1, 16 हजार। ऐसे ही कुछ इनकम्स हैं, मान लीजिए जिसमें से हमें एक अकाउंट डेबिट होगा एक ही डेट में, 1 जनवरी 2011 में बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट एंड अदर इनकम्स। तो ये हमें पैसे प्राप्त हुए, यहाँ से 1000, यहाँ से 1000, यहाँ से भी 1000 और यहाँ से भी 1000, 1, 2, 3, 4, तो 4000 डेबिट हो गया। तो इस तरह की जो एंट्रीज हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।